गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नए चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी छात्र ध्यान से देखें, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो इसको बोलते हैं। तो हम यहां देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी कितना है 90, ठीक है। इसको बी के सामने की भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, क्लियर। और कोण सी के सामने की भुजा को हम सम्मुख भुजा, तो यह सम्मुख भुजा कहलाती है। और तीसरी जो भुजा होती है संलग्न भुजा, क्लियर। तो इसमें हम देखते हैं एसी, एसी है आप यहां पर कर्ण, ठीक है। और यदि हम इसको सी को एक थीटा कोण मान लेते हैं, यह कोण कितना थीटा। और ए बी आपका है सम्मुख भुजा, और बीसी संलग्न भुजा, क्लियर। तो हमारे छह त्रिकोणमिति अनुपात है मुख्य रूप से। तो हम नंबर वन साइन थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब को हम सम्मुख भुजा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका, लंब कितना है ए बी अपॉन ए सी। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा का होगा संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा को आसन भुजा भी कहते हैं, और इसका मान होगा बीसी अपॉन एसी। तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा है आपकी ए बी और संलग्न भुजा है बी सी, ठीक है। चौथा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और इसका मान हो जाएगा, इसका आप उल्टा कर दीजिए ए सी अपॉन ए बी। पांचवा sec थीटा, sec थीटा cos थीटा का व्युत्क्रम होता है, और इसका मान हो जाएगा अपॉन
बी सी। और इसके बाद छठवा होता है कॉट थीटा, यह टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो टेन थीटा का आप देखेंगे ए बी अपॉन बी सी है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। क्लियर? तो ये छह आपकी निष्पत्तियां या रेशो कह सकते हैं, इसको निष्पत्तियां भी बोलते हैं। निष्पत्तियां नोट कर लीजिए, तो त्रिकोणमिति में छह निष्पत्तियां होती हैं। इनका समकोण त्रिभुज की भुजाओं से क्या संबंध है ये हमने लिख दिया है, इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। अब हमको प्रश्नावली 8.1, इसमें हमको कोण बी समकोण दिया हुआ है। तो हमको इसमें ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और बीसी का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको साइन ये मान निकालना, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो हम देखते हैं प्रमेय से एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये मान होगा आपका 24 का स्क्वायर कितना होगा, पॉज करना होगा। तो 24 स्क्वायर होता 576 और 7 का स्क्वायर होता 49, दोनों को ऐड किया 625। तो एसी इक्वल टू हो जाएगा आपका 625 का वर्गमूल 25। तो यहां पर हम देखते हैं एसी का मान हो जाएगा आपका 25। अब हमको इसके अब हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट तो हमको चाहिए साइन ए, तो साइन ए के सामने सम्मुख भुजा, तो ए के सामने सम्मुख भुजा कितना है बीसी और कर्ण है आपका एसी। तो आप बीसी का मान कितना दिया हुआ है 7 और एसी का मान है 25, ये इसका आंसर हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं कॉस ए। कॉस ए कॉस ए होता है संलग्न भुजा अपॉन कर्ण, तो संलग्न भुजा है आपकी ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी का मान दिया हुआ है 24/25, ये इसका आंसर हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं, सेकेंड में हमको साइन सी फाइंड करना है। साइन सी तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा अपॉन कर्ण। तो हम देखते हैं कि सी एंगल, सी एंगल कहां पर ए है, तो इसके सामने की संलग्न भुजा, तो इसके सामने सम्मुख भुजा है आप कि कोण सी के सामने सम्मुख भुजा क्या है आपकी ए सी।
ए बी और कर्ण है आपका ए सी, तो ए बी का मान हो जाएगा यहाँ पर 24 और कर्ण है आपका 25। इसी प्रकार हमको cos c चाहिए, cos c होता है संलग्न बटे कर्ण, तो संलग्न, तो c की संलग्न भुजा है आपकी BC बटे कर्ण AC, तो BC का मान है 7 और कर्ण है आपका 25। क्लियर, तो ये आपके इसके आंसर्स हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको इसमें इस आकृति में tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले आप पाइथागोरस लगाएंगे, कर्ण का वर्ग, कर्ण ने क्या दिया है p r का वर्ग बराबर p q का वर्ग प्लस QR का वर्ग, तो PR का वर्ग है आपका दिया हुआ है 13 स्क्वायर और 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो QR स्क्वायर हो जाएगा आपका 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर होता है 169 और 12 स्क्वायर होता है 144, तो ये हो जाएगा आपका 25। तो हम देखते हैं कि QR इक्वल टू आ जाएगा आपका 5, तो यहां पर QR की वैल्यू हो गई 5। अब हमको किसका मान चाहिए, tan P माइनस cot R, तो tan P, P आपका यह एंगल दिया हुआ है, तो P के सामने की सम्मुख भुजा, P के सामने की सम्मुख भुजा क्या है आपकी QR और संलग्न भुजा है PQ, फिर हम देखते हैं cot R, तो R आपका ये है, तो R के लिए संलग्न भुजा, तो संलग्न भुजा कौन सी होगी QR और सम्मुख भुजा होगी PQ। ठीक है, हम देखते हैं दोनों एक सी वैल्यू है इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। क्लियर, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमको साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं ए, यह आपका बी और यह सी, तो साइन ए इक्वल टू 3/4 यानी लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा आपका 3 और कर्ण है आपका 4, तो पाइथागोरस से ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो हमको मान रख देंगे 4 स्क्वायर इक्वल 3 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, कितना आ जाएगा 7। क्लियर, तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा, तो हम यहां देखते हैं ए बी का मान 7 रहेगा। ठीक है, अब हमको किसका मान चाहिए,
कॉस ए। तो कॉस ए के लिए क्या नियम है? संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा कितनी है? यहां वर्गमूल 7 है। ए बी और कर्ण कितना है? ए सी। तो ए बी का मान कितना है? वर्गमूल 7 और कर्ण का मान है 4। दूसरा हमको चाहिए टेन ए, टेन ए। तो इसका होता है सम्मुख अपॉन संलग्न। तो यहां देखते हैं ए का सम्मुख कितना है? बी सी और संलग्न है ए बी। तो बी सी का मान है 3 और इसका मान है √7। ये आपका आंसर। क्लियर? ओके, थैंक यू।